तो यार हम सभी कोई ना कोई लैपटॉप यूज करते ही हैं, लेकिन उसकी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आज हमारे पास ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप है और आज तुम्हें उस हेल्थ को मेंटेन करना सिखाएंगे भाई। अब वैसे तो काफी सारे तरीके हैं इस चीज को करने के, बट आज सबसे क्रूशियल चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो की है बायोस अपडेट। विंडोज अपडेट तो लगभग हर बंदा कर लेता है, लेकिन बायोस अपडेट पर भाई कोई भी ध्यान नहीं देता। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बायोस को अपडेट करते होंगे, और काफी लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है भाई ये होता क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारे पास हर ब्रांड का लैपटॉप अवेलेबल है, और इन सभी ब्रांड्स के लैपटॉप में एक एक करके मैं तुम्हें बायोस अपडेट करना सिखाऊंगा। बाकी अगर पूरी वीडियो देखोगे तो मतलब भाईचारे वाला सपोर्ट हो जाएगा यार तुम्हारा एकदम, उसके लिए भाई दिल से थैंक यू बोल के जाऊंगा मैं तुम्हें। तो शुरू करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ऐसी यूजफुल वीडियोस हम सिर्फ तुम्हारे लिए बनाते हैं। सबसे पहले अपने पास एचपी का लैपटॉप, ये हमारे पास गेमिंग लैपटॉप है एचपी का विक्टस, इसी से उद्घाटन करते हैं वीडियो का। एचपी के यूजर भी काफी है ना, इसलिए जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि तुम एचपी को पसंद करते हो या डेल को, या दोनों को ही नहीं करते। अब शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई तुम्हें पावर अडैप्टर से अपने लैपटॉप को सबसे पहले प्लग इन करना है। इस काम को तो मतलब बहुत ही जरूरी है, ये नहीं किया तो भाई करप्ट होने का खतरा है, विंडोज भी करप्ट हो सकती है, मतलब कांड हो जाएंगे तुम्हारे लैपटॉप के साथ। तो कांड मत करना भाई, ऑलवेज कनेक्ट टू पावर, हमने भी कर लिया है ठीक है, और इसे लगे रहने देना जब तक पूरा अपडेट ना हो जाए। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता कि भाई बायोस एक्चुअल में होता क्या है, बायोस का मतलब वैसे होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये बेसिकली सिस्टम का जो हार्डवेयर वाला हिस्सा होता है ना, उसको अपने सॉफ्टवेयर हिस्से के बीच से कनेक्ट करता है, मतलब ये मीडिएटर का काम करता है। तो जो भी चीजें हम अपने विंडोज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं ना, वो कैसे हमारे हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है, लाइक प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, ट्रैकपैड और ये सारी चीजें, वो उन सब को रेगुलेट करता है। तो ये एक फर्मवेयर है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये अपडेट होता रहे ना टाइम टू टाइम, तो लैपटॉप में कोई बग्स ग्लिचेस वगैरह जल्दी से नहीं आते हैं, एंड तुम्हारा लैपटॉप एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे भी चलेगा, तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये। अब समझ आ गया। तो एचपी के लैपटॉप के अंदर भाई हमें ना एचपी सपोर्ट असिस्ट मिलता है, कुछ इस तरीके का आइकन होता है, मैं यहां पे सर्च करके दिखा देता हूं। ऐसे एचपी सपोर्ट असिस्टेंट ये हर एचपी के लैपटॉप में मिलेगा तुम्हें भाई। तो जैसे ही इसे ओपन करोगे कुछ ऐसी सी विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर तुम्हारे लैपटॉप की सारी चीजें दिखाएगा भाई, एंड यहां पर तुम्हें क्या करना है, फिक्सेस एंड डायग्नोस्टिक्स है ना जो, यहां पर इस पे जाना है। इस पे जैसे ही जाओगे यहां पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे इश्यूज और अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, पर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें जाना है सीधा यहां सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स पे। इस पे क्लिक करते ही तुम्हें दिख जाएगा कि देखो एचपी कंज्यूमर नोटबुक पीसी बायोस अपडेट, यहां पर हमारे पास अपडेट आ रखा है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये चीज दिखे ही दिखे, अगर तुम्हारा बायोस बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है तो ये अपडेट नहीं शो करेगा, बट इन केस अगर अपडेट आ रखा है तो यहां पर शो हो जाएगा, जैसे कि हमारा आ रखा है तो हम इसे करके दिखाते हैं। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहां पर इस पे क्लिक करना है, यहां सिलेक्ट कर लेना, एंड यहां पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे यहां पर हम क्लिक कर देते हैं भाई। अब ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है भाई, डाउनलोडिंग कंप्लीट। अब यहां पर देखो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आ गया, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट हो गया। अब ये विंडो अपीयर हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर देखो अपडेट, क्रिएट रिकवरी और कॉपी, ये तीन तरह के ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, हमें ये दोनों ऑप्शंस का काम नहीं है, हमें सिर्फ अपने डिवाइस पर भाई बायोस अपडेट करनी है। तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि बायोस अपडेट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, हमें बस अपने रिस्टार्ट करना है डिवाइस को, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट यहाँ पर हम कर देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें लिखी है कि रिस्टार्ट होगा तुम्हारा डिवाइस बार बार, और पावर बटन को प्रेस मत करना, और पावर केबल को भी डिस्कनेक्ट मत करना। तो अब समझ में आया क्यों मैं कह रहा था प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो अब यहाँ पर एंटर दबाना है और अपडेट शुरू हो जाएगा। तो हमने अराउंड 1040 पे अपडेट को शुरू किया था और 43 तक ये अपडेट हो चुका है। तो हर लैपटॉप पर टाइम वेरी कर सकता है, बट हमारे लैपटॉप का ये वाला बायोस जो आया हुआ था ये तो 3 मिनट में अपडेट हो गया। तो एचपी वालों का हो गया प्रोसीजर क्लियर, ऐसे ही तुम किसी भी एचपी के लैपटॉप में बायोस को अपडेट कर सकते हो। अब आते हैं भाई डेल वाले लैपटॉप पे, इनकी जनता ज्यादा है ना, तो पहले इन्हीं को निपटा देते हैं। डेल का तो भाई अपना ओजी लैपटॉप, जनरल की शुरुआत इसी से हुई है भाई, डेल G3 है ये, इसी पे दिखाएंगे तुम्हें ये, अभी तक हमने जिंदा रखा हुआ है। देखो भाई का पहला गेमिंग लैपटॉप है यार, ऐसी थोड़ी ना, आओ इसी पे करते हैं बायोस अपडेट। तो सेम तरीके से अपने डेल वाले को भी हमने पावर केबल से कनेक्ट कर लिया, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो डेल वाले लैपटॉप के अंदर ना एक सपोर्ट असिस्ट के नाम से एप्लीकेशन आती है, इसको यूज करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करती है भाई, कभी लोडिंग पीसी टूल्स, कभी अपडेट मांगेगी, कभी कुछ, मतलब काफी ज्यादा बगी है इनकी एप्लीकेशन। डेल वालों को मैं यही कहूंगा कि भाई इसे इंप्रूव करो। ये देखो अभी भी देखो मैंने एक अपडेट चालू किया था और वो अपडेट हो रहा है, मतलब ये सॉफ्टवेयर खुद ही अपने आप में अपडेट होता रहता है, तो बाकी चीजें तो क्या ही अपडेट करेगा। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि भाई अपना गूगल पे जाओ, डेल सपोर्ट सर्च करो, डेल सपोर्ट सर्च करने के बाद ये तुम्हें सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, इस लिंक को ओपन कर लेना, एंड यहाँ पर डिवाइस ऑटोमेटिकली करना है, और ये देखो तुम्हारा डिवाइस आ चुका है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट सपोर्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर ड्राइवर्स एंड डाउनलोड मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट में, तो इसको क्लिक कर देना, थोड़ा सा लोड होगा। देन यहाँ फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर तुम्हारे सारे ड्राइवर और सारी लिस्ट आ जाएगी भाई, जो जो चीजें अपडेट ये मांग रहा है। अब हमें करना है बायोस अपडेट, तो यहाँ पर साइड
साइड में जो कैटेगरी है ना, यहाँ पर देखो बायोस लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना। एंड ये देखो बायोस अपडेट इसका आ रखा है हमारे पास 8 नवंबर 2024 का। मैंने तो किया ही नहीं बहुत टाइम से। मैं यूज नहीं करता ये लैपटॉप, इसलिए नहीं किया, मतलब ऐसे मैं समझना कि भाई खुद तो करता नहीं है, ज्ञान दे रहा है। ये लैपटॉप यूज नहीं होता, इसलिए पढ़ा था बहुत टाइम से, वीडियो के लिए निकाल के लाया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना भाई, और फिर इसके बाद वही सेम प्रोसीजर तुम्हें रिपीट करना है जो हमने विक्टस वाले के अंदर किया था। तो बस इस केस में क्या होगा कि ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीपल अपडेट सारे शो कर रहा है, सारे बायोस से रिलेटेड ही है भाई। देखो बायोस कनेक्ट एफवी, तो इन सबको तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे तो अपडेट शुरू हो जाएगा। करके सारी फाइल्स को तुम अपडेट कर लेना जो भी तुम्हारे लैपटॉप पे शो करेंगी। हर लैपटॉप पर अलग सीन हो सकता है, और सेम प्रोसीजर उसके बाद लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। तुम्हें पावर पे लगा के रखना है इसको, ताकि सारी चीजें स्मूथली हो पाए। अगर पावर पे नहीं कनेक्ट किया तो करप्ट होने का खतरा है, डेटा भी उड़ सकता है तुम्हारा। तो भाई वो प्रिकॉशन जरूर लेना हर लैपटॉप के केस में। तो हम सारी बायोस अपडेट नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर है, बस तुम्हें स्टार्टिंग बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांड पे अपने, जो कि है लेनोवो। आ जाओ लेनोवो वालों, आ जाओ। तो लेनोवो के हर लैपटॉप के अंदर तुम्हें लेनोवो वेंटेज के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, और इनका वेंटेज तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ये लेनोवो के गेमिंग लैपटॉप्स में भी मिलेगा तुम्हें, और जो थिन एंड लाइट है उनमें भी मिलता है, सब में सेम नाम से होता है, जैसे कि अपना यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर वेंटेज के अंदर जब तुम आओगे तो कुछ ऐसा सा तुम्हें शो कर देगा पूरा लैपटॉप का सीन। यहाँ पर साइड पैनल पे आओगे तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट दिखेगा, तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर बायोस एंड फर्मवेयर पे टिक हो रखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर तुम्हें चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है। अब ये बायोस का अपडेट भी अगर आ रखा होगा तो उसे चेक करके बता देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है हमारा सिस्टम भाई अप टू डेट है, कोई अपडेट इसका अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट शेड्यूल अपडेट जो 19 मई को आएगा, तो तब चेक कर लेना। तो वही डिपेंड करेगा, और फिर अगर तुम्हें अपडेट दिखे तो वही बायोस वाला अपडेट तुम्हें करना है, जैसे हमने पहले करके दिखाया, सेम तरीका। एंड अगर इनकेस तुम्हारे लेनोवो वेंटेज में कोई इशू आता या नहीं दिखाता, तो तुम लेनोवो की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। हर ब्रांड के लिए ये चीज अप्लाइड है, जस्ट गूगल पे जाना है तुम्हें। अब हमें लेनोवो का करना है, तो लेनोवो सपोर्ट सर्च कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखो आ गया सपोर्ट की वेबसाइट, देखो प्रोडक्ट डिटेक्ट करेगा हमारे, तो हमारा लैपटॉप यहाँ डिटेक्ट हो चुका है, लैपटॉप से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब तुम्हें सिमिलर तरीके से यहाँ ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर में आना है। एंड यहाँ पर देखो सारे ऑटोमेटिक मैनुअल तरीके से अपडेट करने के ऑप्शन आ गए हैं। मैनुअल पे अगर हम जाएं, यहाँ पर जैसे हम कीवर्ड्स में जाके बायोस को अगर सर्च करेंगे, तो बायोस का देखो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये दो अपडेट 10 फेब को आ रखे हैं, एंड एक हमारा ये वाला अपडेट भी आ रखा है 10 फेब को। तो ये मैनुअल तरीके से जाने का हो गया, एक ऑटोमेटिक तरीका, एक मैनुअल तरीका। तो जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। अब सिमिलर तरीके से यहाँ भी डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना, उसके बाद फिर भाई ऐसे ऐसे करके बायोस अपडेट हो जाएगी तुम्हारी लेनोवो के केस में। नेक्स्ट अपना भाई एसुस का लैपटॉप, और हमारे पास अभी टफ है एसुस का। तो एसुस के बायोस अपडेट करने के दो तरीके हैं। अगर तुम्हारे पास कोई गेमिंग लैपटॉप है जैसे कि हमारे पास है, तो इसके अंदर ना एक आर्मरी क्रेट का सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल मिलता है। तो यहाँ तुम सर्च बार में जाके अगर आर्मरी क्रेट सर्च करोगे तो यहाँ पर शो भी कर देगा। एंड आर्मरी क्रेट वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ना तुम्हें सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स के अंदर फिर यहाँ पर अपडेट सेंटर के अंदर आओगे तो ये सारी चीजें शो कर देगा, ये सारे अपडेट शो कर रहा है। बाकी चेक फॉर अपडेट्स पे भी क्लिक करोगे अगर, तो ऐसे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और चेक करेगा भाई ऑटोमेटिक तरीके से जा रहे हैं अभी हम। एंड मैनुअल तरीके से तुम एसुस में भी जा सकते हो, वेबसाइट वाला तरीका तो भाई हर लैपटॉप पे अवेलेबल है, लैपटॉप के अंदर एप्लीकेशन हो या ना हो। तो यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक जो अपडेट्स इसने डिटेक्ट करे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो भाई इसके खुद के सॉफ्टवेयर का अपडेट आ रखा है, बाकी इसके अलावा ये डिवाइस एंड कंपोनेंट्स के ये सारे अपडेट्स हमें शो कर रहा है। अब बायोस का इसने कोई भी अपडेट शो नहीं करा, तो इसके बायोस अपडेटेड हो गया तो इसलिए, या फिर दूसरा तरीका है माय एसुस वाली ऐप। अब जिनके पास भी थिन एंड लाइट लैपटॉप है एसुस का, उन सबके लैपटॉप में माय एसुस वाली ऐप मिल जाएगी। एंड ये कुछ ऐसी सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर सारे लैपटॉप के स्टैट्स शो कर देता है। एंड इसके बाद यहाँ पर कोने में सिस्टम अपडेट पे आओगे तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है अपडेट्स को चेक कर लेती है। एंड ये दिखा रहा है सिर्फ एक अपडेट हमारा अवेलेबल है। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है कि क्या पता भाई मेरा बायोस अपडेट ना हो, तो ये नीचे दिखा रहा है कि एसुस सपोर्ट की साइट पे जाकर के अवेलेबल अपडेट्स चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट ओपन कर देगा। वही तरीका है, सेम तरीका सारे लैपटॉप्स के लिए। तो यहाँ पर हमें बायोस एंड फर्मवेयर पर आना है जैसे ही वेबसाइट खुल जाए। एंड यहाँ देखो बायोस का अपडेट हमें यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि दिसंबर के अराउंड आ रखा है इसका। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लैपटॉप अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ से डाउनलोड करके अपने बायोस को तुम अपडेट कर सकते हो मैनुअल तरीके से। तो मतलब तुम बायोस अपडेट कर ही लोगे चाहे कोई भी लैपटॉप हो। अब इसका अपडेटेड होगा इसलिए शो नहीं करा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वही सिमिलर है जैसा मैंने स्टार्टिंग में एचपी वाले लैपटॉप के अंदर दिखाया था। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जिसने भी स्किप करा है जा करके फिर से देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। नेक्स्ट है भाई अपने पास MSI का लैपटॉप। अब MSI वाली जनता आ जाओ फटाफट से, तुम्हारे को दिखा देता है भाई बायोस का तरीका। तो हमारे पास MSI का थिन एंड लाइट लैपटॉप है। अब MSI के भी दो सॉफ्टवेयर आते हैं गेमिंग लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है, तो उसके अंदर MSI सेंटर और ड्रैगन सेंटर दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ड्रैगन सेंटर में गेमिंग से रिलेटेड चीजें ट्वीक हो जाती है, वो तुम्हें पता ही होगा, उसके अंदर से भी अपडेट हो सकता है। लेकिन MSI सेंटर की ऐप तो जो इनकी मेन ऐप है उसके अंदर तो हो ही जाता है। तो ऐसे MSI वाली सेंटर की एप्लीकेशन को तुम ओपन कर लेना, और ये मेन एरिया आ जाएगा। एंड यहाँ पर ये और फीचर जो दिखा रहा है वो, और बाकी सपोर्ट पे आना है हमें। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ लाइव अपडेट के अंदर ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना। और ये सी
सीधा ही तुम्हें वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पर अपना लैपटॉप डिटेक्ट हो चुका है भाई। एंड यहाँ पर ड्राइवर्स के अंदर अगर आओगे तो यहाँ बायोस पे देखो, बायोस यूटिलिटी और सारी चीजें शो कर रहा है। बायोस के अंदर आओगे तो यहाँ पर हमारा बायोस का अपडेट शो कर रहा है। ये नवंबर 2024 का अपडेट है। एंड यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही इसको हम डाउनलोड करेंगे, फाइल डाउनलोड हो गई है देखो, एक्सट्रैक्ट कर लिया भाई। इसके बाद इसे ओपन करना भाई, बड़ी अजीब बात है, MSI वालों ने पता नहीं क्या डाउनलोड करवा दिया। जैसे मैंने इसका बायोस डाउनलोड करा, कुछ PDF शो कर रहा है। तो MSI की जो फाइल हमने अभी डाउनलोड करी है इनकी वेबसाइट से, उसके अंदर ना ये तीन चार चीजें हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर PDF की गाइड दे रखी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रखे है कि कैसे इसको अपडेट करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है MSI वाला पार्ट, तो इसे ध्यान से सुनना। MSI के लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा अलग प्रोसेस है बायोस को अपडेट करने का, मैं बताता हूँ कैसे। बिल्कुल सिमिलर तरीका नहीं है जैसा कि बाकी ब्रांड्स में हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, या फिर तुम कोई भी ऐसे USB डिवाइस यूज कर सकते हो स्टोरेज वाला। पेन ड्राइव सबसे बेस्ट रहती है, तो हम ये वाली पेन ड्राइव यूज करेंगे। और जो फाइल हमने ऑनलाइन डाउनलोड करी थी ना MSI की वेबसाइट से बायोस वाली, तो ये वाली जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी ना, इस फाइल को भाई हमें अपनी पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। पेन ड्राइव आ चुकी है भाई, तो इसको एज इट इज उठा के यहाँ पर मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया। तो ये फाइल हमारी इसके अंदर अब आ चुकी है। अब पेन ड्राइव इसके अंदर लगी रहने देना और अपने लैपटॉप को हम कर देंगे रीस्टार्ट। अब जैसे रीस्टार्ट वाला ये लिखा हुआ हटेगा, लैपटॉप फिर से बूट ऑन होगा, तो हमें डिलीट या फिर F2 वाली की दबानी है, जो भी तुम्हारे लैपटॉप पे काम करे। MSI के अंदर यही दो कीज होती है, बायोस के अंदर अगर हमें जाना है तो ब्लैक स्क्रीन होती है भाई, डिलीट की प्रेस करनी शुरू कर देना। और ये हमारी बायोस अब ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हमें एडवांस के अंदर जाना है और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा UEFI बायोस अपडेट, तो ऐसे नीचे करके एंटर कर देना। एंड यहाँ पर फिर से इस ऑप्शन को तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि तुम्हें पावर अडैप्टर लगाना पड़ेगा। तो पावर अडैप्टर लगने के बाद ये सारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिखेंगे। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर देखो USB 4.0 लिखा हुआ है ना, इस पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अपनी USB ड्राइव कनेक्ट कर रखी है इसके साथ। जैसे यहाँ पर एंटर मारोगे, यहाँ पर सारी फाइल शो करने लग जाएगा हमारे USB की, और हमें ढूंढनी है वो वाली फाइल जो हमने इसके अंदर कॉपी करी थी। ये रही वो फाइल, मेरे को नाम याद था, नाम एक बार ढंग से दिमाग में बैठा लेना कि क्या नाम था उस फाइल का। ये वाली फाइल थी, तो इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये वाली फाइल फिर से शो कर देगा। यही थी हमारी एक्चुअल बायोस की फाइल, एंटर किया और ये वाली फाइल सिलेक्ट कर दी मैंने। ये यहाँ पर फाइनल फाइल शो कर दी है इसने, और इसको हम एंटर मार देंगे। तो यहाँ पर जैसे अपडेट शुरू होगा तो ये वाली नोटिफिकेशन आएगी कि भाई सिस्टम अपने आप बंद होगा, सारी चीजें होंगी, तो हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। अब ये अपडेट पे चला गया भाई। एंड यहाँ पर अब हमें करना है प्रोसीड विद फ्लैश अपडेट। अब इसका अपडेट शुरू हो गया भाई। ओके, फाइनल हो गया भाई। प्रेस एनी की टू रीसेट सिस्टम, रीसेट हो जाएगा, नहीं हमारी से। तो फाइनली अपना लैपटॉप अपडेट हो चुका है, देखो फिर से अपनी होम स्क्रीन आ गई है। तो कुछ इस तरीके से तुम MSI के बायोस को अपडेट कर सकते हो। बीच में एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई रीसेट करने के लिए कोई भी की प्रेस करे, मुझे डर लग रहा था कि भाई लैपटॉप तो रीसेट नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लैपटॉप के अंदर जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहती है, बायोस अपडेट हो जाती है लेकिन हमारी। अब आते अपने नेक्स्ट लैपटॉप पे। नेक्स्ट है भाई अपना Acer के लैपटॉप पे। हमारे पास एक 14 इंच का थिन एंड लाइट वाला Acer का लैपटॉप। एंड Acer का बायोस वेबसाइट पे जाके ही तुम्हें फाइल डाउनलोड करके करना पड़ेगा। इनका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जनरली नहीं अवेलेबल होता। कुछ लैपटॉप में लेटेस्ट वाले में हो सकता है कि अब Acer की कोई एप्लीकेशन आती हो सपोर्ट वाली। हमारे पास थोड़ा पुराना लैपटॉप है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आता था। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा लैपटॉप है तो वेबसाइट इज द ओनली सॉल्यूशन। वेबसाइट से तो हर ब्रांड का हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गूगल पे सर्च करना है तुम्हें Acer सपोर्ट। तो जैसे ही क्लिक करोगे ये सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। फिर कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर या SNID डालनी है, या फिर तुम मॉडल नंबर भी डाल सकते हो। अगर हम अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डालें तो वो है ये, और देखो इसने शो कर दिया। यहाँ पर क्लिक करोगे तो लैपटॉप की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास, और सारे ड्राइवर्स भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 18 ड्राइवर के अपडेट्स अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स में आओगे तो यहाँ पर यूजर मैनुअल अवेलेबल है। अब इसके अंदर ना मैंने चेक करा, यहाँ पर कहीं पे भी बायोस का अपडेट आ नहीं रखा। मतलब ये पूरी लिस्ट को मैंने चेक करा, यहाँ पर कहीं पे भी बायोस का अपडेट नहीं है। तो आई थिंक कि हमारे पास जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ये वाला, इसका बायोस का अपडेट Acer ने देना बंद कर दिया, या फिर आता ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई लैपटॉप है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि Acer ये सस्ते नशे करना बंद करे भाई, लैपटॉप के लिए सपोर्ट देना चालू करे। ये भी लास्ट नवंबर के अपडेट्स आ रखे, इसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया Acer की तरफ से। बाकी अगर किसी ने लेटेस्ट लैपटॉप परचेज करा है तो वो भी एक बार चेक करके वेबसाइट पे जाकर के कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या तुम्हारे पास ऐसे बायोस वगैरह के अपडेट आते रहते हैं या नहीं। अब अगर तुम्हें इन केस बायोस अपडेट शो करता है वेबसाइट पे, तो तुम्हें सेम वही जो MSI वाले लैपटॉप के अंदर मैंने दिखाया था, फाइल को डाउनलोड करनी है, उसको USB ड्राइव के अंदर कॉपी करना है, फिर बायोस में जाकर के अपडेट करना है। सेम तरीका है बिल्कुल, जो MSI ने फॉलो किया था वही Acer का तरीका है। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ा इजी कर देना चाहिए प्रोसेस को, क्योंकि इसमें
ना थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है जब हम ऐसे यूएसबी ड्राइव लगा कर करते हैं, क्योंकि यूएसबी ड्राइव का डेटा उड़ने का भी खतरा होता है, इसमें लैपटॉप का भी डेटा उड़ने का खतरा होता है, प्लस अगर तुमने पावर कोड नहीं लगा रखी तो भी थोड़ी दिक्कत होने का खतरा रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि बायोस अपडेट जरूरी भी है, क्योंकि इससे तुम्हारे सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ती है, बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो जाती है लैपटॉप की, तो वो करना भी जरूरी है, साथ ही साथ प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान से फोकस तरीके से करना, एंड जो भी स्टेप्स मैंने हर ब्रांड के अंदर बताए उन्हें भाई प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, तभी तुम्हारे बायोस को अपडेट करने में तुम्हें हेल्प हो पाएगी, बिना किसी दिक्कत के तुम्हारा काम हो पाएगा। बाकी स्टिल अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो मैं एसर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर लेना, फिर उन स्टेप्स को फॉलो करके अपडेट कर सकते हो अपने बायोस को। वरना गूगल या यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, लोगों ने करके दिखाया, मेरे लैपटॉप में आ नहीं रखा, वरना मैं करके दिखा देता। तो अगर मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ऐसी बढ़िया वीडियोस भाई हम सिर्फ तुम्हारे लिए बनाते हैं, तो भाई कर दो यार, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी बायोस अपडेट करने का सोच रहे हैं अपने लैपटॉप का, या करते नहीं है उन्हें बोलो भाई करो, ताकि तुम्हारा पीसी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से रन हो सके, बट प्रिकॉशन के साथ, मैं पहले बता रहा हूं मेरी गारंटी नहीं है अगर कोई कांड हो गया तो। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय-बाय।